Once again, welcome to Diverses. Hopefully आप काफी अच्छा prepare कर रहे होंगे. JEE आने वाला है, NEET भी आने वाली है और preparation का काफी ज़्यादा pressure आप पे होगा. ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है friends. ज़िंदगी में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जब इंसान IIT और medical के लिए जुनून और जोश के साथ preparation करते हैं. ठीक है, ये आपके लिए खुशनसीबी है कि आपके पास अटेम्प्ट है. ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में सही तरीके से प्रिपेयर करो. डेफिनेटली IIT में आप जाओगे, डॉक्टर बनोगे. ठीक है, आज का टॉपिक आप देख रहे होगे जो मतलब हम सीरीज चला रहे हैं RC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रह्मास्त्र. ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये 5 वीडियो को कवर अप कर लिया मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कंट्रोल में आ जाएगा. जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर छोड़ के. ठीक है, तो ये जो नंबर 4 में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अल्कोहल का रिएक्शन है. तो मैं जैसे जैसे प्रोसीड करूंगा वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है, तो चलो मेरे पास अल्कोहल है. ठीक है, चलो इस अल्कोहल को अगर हमने रिएक्शन करवा दिया SOCl2 के साथ, ठीक है, थायमिन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये OH हट के क्या बन जाएगा, Cl लग जाएगा और बन जाएगा SO2+Cl. इसकी जगह अगर मैंने PCl3 या PCl5 भी ले लिया तो प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो इफिशिएंसी है क्लोरीन लगाने का वो SOCl2 का डाइजेशन प्रोसेस का ज्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट जो है आपके गैस है. तो ये भी क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है कि इसका इफिशिएंसी ज्यादा क्यों, इसका रीजन क्या होता है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, दोनों गैस है. अगर मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया PCC प्रीडिनियम क्लोरो फ्लोराइड के साथ, अगर हमने रिएक्शन करवा दिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा. अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन करवा दिया KNO4 के साथ या K2Cl2O7 के साथ या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हम उसको PCC के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा. लेकिन अगर KNO4 और K2Cl2O7 के साथ करवाएंगे तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए जो भी रिएक्शन मैं कवर अप कर रहा हूं. ठीक है, अगर इससे हम फर्दर जो है अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं सोडियम ड्राई इथर के साथ तो ये अल्काइल एलाइड है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन अल्केन का प्रिपरेशन है. OG रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्केन का प्रिपरेशन है. ठीक है, फ्रीडर मैकेनिज्म के थ्रू होता है. ठीक है, हट जाएगा और ये 2 बन जाएगा, ये सिमेट्रिकल अल्केन का प्रिपरेशन है. अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं बेस के साथ NaNH2, तो याद करो यहां एसिडिक एज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अल्कीन बन जाएगा. क्या होगा, अल्कीन, क्योंकि ये एसिडिक एज और ये दोनों मिलकर निकल जाएगा. क्यों, क्योंकि NH2- H+ को ले लेगा, माइनस बनेगा और यहां E2 एलिमिनेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा. ठीक है, जेक्सन ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, मैंने पहला वीडियो में बताया था. ठीक है, अगर फर्दर आप इसको रिएक्शन करवा दो KCN के साथ तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये साइनाइड यहां सब्यूज हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये Cl हट के साइनाइड बन जाएगा. अगर फर्दर हमने AgCN के साथ रिएक्शन करवाया तो आइसोसाइन बन जाएगा, क्योंकि ये एम्बिएंट लिविंग है. मैंने बताया था KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Cl जुड़ेगा और AgCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NC जुड़ेगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर वे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए. फर्दर अगर इसी की बात करें तो अगर मैं बात करूं कि अगर Cl है और अगर आपने इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रॉपर वे में आपको क्लियर होना चाहिए कि Cl का हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये इसको COOH एसिड बना देगा. तो ये प्रॉपर वे में आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर होना चाहिए. फर्दर अगर मैंने इसको पीछे बताया था वीडियो में, अगर देखा होगा कि सोडियम डीकार्बोनाइजेशन अगर रिएक्शन आप करवा दोगे तो CO2 निकल जाएगा और नॉर्मल ये अल्केन बन जाएगा. नॉर्मल क्या होगा, अल्केन बन जाएगा प्लस CO2 गैस बनके निकल जाएगा. तो ये इसमें भी हमने काफी रिएक्शंस कवर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कवर कर दिए, डाइजेशन प्रोसेस कवर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन विद PCC K2Cl2O7 KNO4, ये सब हम लोग सारी बातें कवर अप करेंगे. ठीक है, तो अच्छे तरीके से सारे रिएक्शन कवर करेंगे. तो बच्चों मैं यहीं से ही प्रोसीड करता हूं, जगह है हमारे पास. अगेन
तो ये क्या होगा एसिडिक एसिड दे देगा, क्योंकि ये अच्छा एसिडिक है, जहां भी रहता है मेटल के प्रेजेंस में क्या होगा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं H+ के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, मतलब पहला हम लोग करवा देते हैं H+ के साथ और दूसरा करवा देते हैं बेंजीन के साथ, तो पहले H+ OH के साथ अटैक करके कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर पीछे वीडियो में देखा होगा तो ये मैंने कवर अप करके रखा है, वही अटैक करेगा H+ के साथ, OH वाटर बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अगर आपने रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आपने करवा दिया पहला पार्ट, और दूसरा आपने मेटालाइसिस करवा दिया, तो ये एक पार्ट बन जाएगा फिनॉल। क्यूमीन से ये फिनॉल बनाने का तरीका है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं, कि अगर क्यूमीन को आपने रिएक्शन करवा दिया O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आपने मेटालाइसिस करवा दिया, तो एक बन जाएगा फिनॉल और एक बन जाएगा एसीटोन। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है आपका फिनॉल का विद हेल्प ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन। तो ये इसमें बीच में एक आपका थ्री इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनेगा और ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके ये बन जाएगा। खैर अभी हमारा कंसर्न नहीं है मैकेनिज्म को जानने के लिए, बस ये प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये कवर अप कर लिया, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हमने ये कवर अप कर लिया। अगर सोचो कि फिनॉल आगे नहीं समझ चलते हैं कि अगर फिनॉल को हमने रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ तो क्या हो जाएगा आपका, याद करो, ये आपका ईस्टर बन जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। और ईस्टर का रिडक्शन विद NaBH4 नहीं होता है, याद करो, NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर ना करते तो क्या होता, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, दोनों जो है अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता। लास्ट जो है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक CN NO2 सबको रिड्यूस कर देता है, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। वो भी एक एक्सेप्शन है, मैंने क्लास में बता रहा था कि डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस कर सकता है ला, ठीक है ना। तो इस केस में याद होना चाहिए प्रॉब्लम कि NaBH4 आपका ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये पूरे रिएक्शंस को आप ध्यान से लिख लो, मैंने बहुत कुछ इसमें कवर अप किया है, बहुत ही काम का ये वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। आगे जो हम लोग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो अगर हमने क्या किया कि सोचो कि अगर अल्कोहल है, हमने इसको रिएक्शन करवा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अगेन ये जो है वो ईस्टर बन जाएगा, ठीक है, ईस्टर बन गया। अब ईस्टर को आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा दो एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा एसिड और एक बन जाएगा आपका अल्कोहल। अब इसको रिएक्शन करवा दो आप Br2 के साथ, रेड फास्फोरस Br2 के साथ। तो याद करो अल्फा हैलोजिनेशन हो जाता था, जहां भी अल्फा हाइड्रोजन लेवल है वहां क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, अल्फा ब्रोमीन ब्रोमीन एसिड बन जाता है ये। इसको याद करो, बोलते थे HBJ हेल ब्लैक जेनेटिक की रिएक्शन। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए कि जहां भी अल्फा हाइड्रोजन एक्वियम लेवल है तो वहां हटा के क्या करेंगे हम, ब्रोमीन जोड़ देंगे या जो भी क्लोरीन होगा, ठीक है। समय तो अल्फा पोजीशन पे ये क्या है आपका, वहां हाइड्रोजन हट के वहां क्या जुड़ जाता है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो हेल ब्लैक जेनेटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं, अल्फा ब्रोमो एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जहां भी अल्फा एंड होगा वही ऐसा पॉसिबल है। तो फिर मैंने सारा रिएक्शन कवर अप कर दिया। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दूं बेसिक मीडियम में, तो सफोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं कि हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, ये एसिड फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आयन फॉर्म में रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, सफोनिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉपर वे में मैंने कवर अप कर दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चार्ट में अवेलेबल नहीं रहेगा जो आपको चार्ट में मिलेगा तो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि याद करो ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इसका जो परमिटिविटी बनेगा वो क्या होगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि क्या है, लुकास टेस्ट
लुकास्टिस किसका काम आता था? फेब्रेस क्या टेस्ट ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में फास्ट एबिलिटी दे देगा, विद इन सेकंड दे देगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री है तो मां से 10 मिनट, और अगर 1 डिग्री है तो लॉन्ग टाइम बाद देगा। तो ये प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर कर लेना है। तो ये आप एक चीज लिख लो, मैं काम की बात थोड़ा सा एक और बताता हूं। सपोज करो ये है आपका एसिड और ये है आपका अल्कोहल, ROH 18 में सिग्निफाई कर दिया। तो ये क्या होगा, इमेज ऑफ H+, ये एस्टरीफिकेशन, एक एसिड है और एक अल्कोहल है, तो क्या बन जाएगा आपका, ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। OH OR सॉरी OR लग जाएगा, ठीक है, क्यों, H+ अटैक करेगा, हट जाएगा, फिर H पे ल्यूकाइल अटैक करके, और जो ऑक्सीजन, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो यहां जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो ये फिर फर्दर जो है वो दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे ट्रांस, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। लोअर बॉइलिंग पॉइंट ईस्टर से हायर बॉइलिंग पॉइंट ईस्टर में जो कन्वर्जन होता है विद हेल्प ऑफ सम अदर अल्कोहल, उसको बोलेंगे ट्रांस एस्टरीफिकेशन। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे रिएक्शंस को कवर कर लिया गाइस। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखो, थोड़ा सा फास्ट हो गया हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, थोड़ा पॉज कर लेना, ध्यान दें चीजों को लिख लेना। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।